नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अमेजोन ने दिया है झटका, प्राइम यूजर्स को अब करना होगा महंगा रिचार्ज। अमेजोन प्राइम वीडियो यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अमेजोन प्राइम वीडियो की तरफ से यूजर्स को जोर का झटका देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेजोन प्राइम यूजर्स को अच्छे कंटेंट देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। दरअसल मामला यह है कि अमेजोन प्राइम बेस सब्सक्रिप्शन में जो है डॉल्बी विजन और HDR और इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस का साउंड का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप Amazon Prime Video के लिए Dolby Atmos और इसके अलावा Dolby Atmos Surround सपोर्ट चाहते हैं तो आपको जो है महंगा रिचार्ज कराना पड़ेगा। बता दें आपको कि पिछले माह Amazon की ओर से जो है इसी तरह की बेस सब्सक्रिप्शन में विज्ञापन को ऐड किया गया था। मतलब Amazon Prime Video के बेस वेरिएंट में विज्ञापन दिखाए जाएंगे, वही अब बेस रिचार्ज प्लान से हाई क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीमिंग को यहाँ पर बंद कर दिया है। वही रिपोर्ट की माने तो जर्मन पब्लिकेशन 4K फिल्म स्मार्ट टीवी जैसे सोनी, LG और सैमसंग ने HDR10 और डॉल्बी डिजिटल 5.1 कंटेंट दिखाना बंद कर दिया है। ऐसे माना जा रहा है कि डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस कंटेंट स्ट्रीमिंग को केवल एड फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ ही देखना संभव है। बता दें आपको कि अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ साथ नेटफ्लिक्स और डिजनी समेत कई अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। इन प्लेटफॉर्म में अपने स्ट्रीमिंग सर्विस में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कई सारे बदलाव जो है किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राम मंदिर को लेकर सरकार ने जारी किया है चांदी का सिक्का, 50 ग्राम के सिक्के को आप कर पाएंगे यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 3 जो सिक्के जो है जारी किया है। इसमें एक सिक्का रामलला और राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के थीम पर आधारित है। 50 ग्राम वजनी इस सिक्के में 99% रजस्य से बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने भगवान बुद्धा को ज्ञान मिलने पर आधारित एक धातु का लिमिटेड सिक्का, एक सिंह वाले गैंडे यानी भारत के लुप्त पे जानवरों की सीरीज का एक हिस्सा पर आधारित सिक्का भी जारी किया। वित्त मंत्री ने ये सिक्के सरकारी स्वामित्व वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 19वें स्थापना समारोह में जारी किए हैं। तो इन सिक्कों को कहाँ आप खरीद सकेंगे? बता दें आपको कि राम भगवान लाल जो मतलब भगवान राम लला के अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर जो स्मारक सिक्के जो है 50 ग्राम के सिक्कों की कीमत जो है 5,000 से अधिक है। वह भगवान बुद्ध के इस सिक्के की 3,757 जो है 35 mm परिधि वाले सिक्के की कीमत जो है वो 3,757 है। वही एक सिंगल वाले ग्रेटर गैंडा को भारत में लुप्त प्रिय जानवरों की कैटेगरी में रखा गया है। इसे लेकर सिक्के को कॉपर जिंक और निकिल से 32 ग्राम वजन में बनाया गया है। इसकी कीमत 1,287 है। कहाँ खरीद सकते हैं? आपको वेबसाइट जो है indiagovernmint.in वेबसाइट पर जाकर जो है आप इसे खरीद सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है इसमें आप खरीद कर सकते हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महंगाई दर को लेकर बड़ी खबर देखिए। जनवरी में थोक महंगाई में आई है कमी, 3 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची है थोक महंगाई दर। थोक महंगाई दर में जो है कमी देखने को मिली है। दरअसल 3 महीनों के निचले स्तर पर यह पहुंच गई है, 0.27% पर यह आ पहुंची है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित महंगाई दर कम होकर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जनवरी में 3 महीनों के निचले स्तर यानी 0.27% पर पहुंच गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य वस्तु के विनिर्माण सामान के उत्पादों के दाम में कमी के कारण ऐसा हुआ है। इसके पहले जो है दिसंबर 2023 में थोक महंगाई दर 0.73% थी। ये लगातार तीसरा महीना है जब थोक महंगाई दर धनात्मक बनी हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2024 के ज्यादातर महीनों में अब स्फीति की स्थिति यहाँ पर थी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है पैन कार्ड को लेकर। पैन कार्ड के इस्तेमाल में बरते सावधानी, नहीं तो चुकाने पड़ेंगे 10,000 रुपए। अक्सर लोग पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को हल्के में ले लेते हैं, ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। सर पैन कार्ड से जुड़े नियम बहुत सख्त है, इसकी वजह से पैन कार्ड यहाँ पर इसके जुड़े यहाँ पर पैन नंबर बहुत ही यहाँ पर सख्त है। दरअसल इसके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ट्रैक यहाँ पर रखता है। किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर या फिर कंपनी की टैक्स लॉयल्टी स्टेटमेंट में इसका बड़ा रोल होता है। पैन कार्ड की शुरुआत के बाद टैक्स चोरी के मामलों में कमी आई है। दरअसल अगर आपका पैन कार्ड गुम गया है तो आपको पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया या दूसरों के हाथों में जाता है तो उसका दुरुपयोग आपका हो सकता है।
आए दिन ऐसे मामले जो है सुनने में आते हैं। इसमें फ्रॉड करने वाले चोरी के पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई बार गैर कानूनी ट्रांजेक्शन के लिए चोरी के पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वह जांच के बाद पता चलता है कि पैन कार्ड होल्डर्स की इनकम इतनी यहाँ पर कम है कि वह ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। वह फ्रॉड करने वाले अधिकतर लोग ऐसे पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसकी इनकम काफी कम है, इसलिए अपने वॉलेट में पैन कार्ड रखने से आप यहाँ पर बचे इसका। अगर आप पैन कार्ड अगर गुम जाता है तो आप इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। इससे पैन कार्ड का दुरुपयोग की स्थिति में आप मुश्किल में फंसने से बच सकते हैं। वही आपको यहाँ पर बता दें कि ये जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पेनल्टी जो है लगा सकता है। पहले डिपार्टमेंट एक पैन कार्ड को कैंसिल करेगा, फिर वही पेनल्टी लगाएगा। वही पैन कार्ड में गलत जानकारी होने पर बैंक अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके पैन कार्ड में अनजान ने से कोई गलती यहाँ पर आ गई है, गलत जानकारी आ गई है, तो आपको उसे ठीक करा लेना चाहिए। अगर गलती से आपके पास दो पैन कार्ड पाए गए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वापस कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। बड़ी यहाँ पर गलती ये हो सकती है।